हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तरीके से और बहुत ही अलग तरीके से बिल्कुल स्पंजी नाश्ता सूजी से कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। तो नाश्ता बनाने के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने सूजी लिया है। सूजी इस टाइम मैंने 250 ग्राम के लगभग लिए हैं, आपको जितनी बनानी है आप उतनी ले सकते हैं। तो इस टाइम मैंने मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है। मार्केट में दो टाइप की सूजी आती है, तो आप मोटी वाली भी ले सकते हैं और बारीक वाली भी ले सकते हैं। तो इस टाइम मैंने मोटी वाली का यूज़ किया, आप देख सकते हैं सूजी का। तो आपको अगर जितने आपके घर में मेंबर्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जार लिया है, तो जार में सबसे पहले 250 ग्राम के लगभग सूजी ऐड करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद आप इसमें छाछ भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। तो इस टाइम मैं छाछ इसमें डालूँगी 1 ग्लास के लगभग। तो आप देख सकते हैं 1 ग्लास के लगभग इसमें मैंने छाछ भी ऐड कर दी है। छाछ इस टाइम मैंने ज़्यादा खट्टी भी नहीं ली है, नॉर्मल छाछ का यूज़ किया है इस टाइम। तो अगर आपके पास दही है तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं, पर दही और छाछ डालना ज़रूरी है इसमें, तभी नाश्ता अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं 1 ग्लास के लगभग इस टाइम मैंने छाछ भी इसमें ऐड कर दी थी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो अब इसमें नमक डाल देना है, तो नमक इस टाइम आधी चम्मच के लगभग डालना है। तो नमक भी आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने डाल दिया है। तो अगर आप इसको तीखा बनाना चाहते हैं तो आप जो इसमें रेड चिली फ्लेक्स होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, बट इस टाइम इसका बिल्कुल अलग टेस्ट हम लोगों को लाना है। तो इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, इसमें चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको तीखा बनाना है तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो जो ग्रीन चिली हरी मिर्च होती हैं वो भी आप डाल सकते हैं काट कर। तो इस टाइम मैं इसको अलग तरीके का टेस्ट दे रही हूँ, तो इसमें चीनी डालना है। तो चीनी आप देख सकते हैं इस टाइम इसमें डाल देना है 1 से 2 चम्मच के लगभग। अगर आपको थोड़ा मीठा नहीं रखना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं चीनी को, इसकी जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच के लगभग इसमें मैंने चीनी डाल दी है। तो अब इनो डालेंगे, और चीनी डालने के बाद इनो डालना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इनो भी नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो आधी चम्मच से भी कम डालिए। तो आप देख सकते हैं इनो डालकर इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको लगा देना है जार के ढक्कन को, और 1 से 2 बार अच्छी तरीके से इसको जार में पीस लेना है। तो अब इसको पीस लेंगे, तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने इसको पीस लिया अच्छी तरीके से। तो 1 से 2 बार आपको इसको पीस लेना है अच्छी तरीके से। और आप अगर हरी मिर्च का यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पीसना होगा। तो इस तरीके से आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको ना ही ज़्यादा इसको पतला रखना है और ना ही गाढ़ा रखना है बैटर को। तो अब इसको सबसे पहले बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, केवल इसी तरीके से रखनी है। तो एक बार इसको अच्छी तरीके से और भी मिक्स कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको बैटर बनाना है सूजी का नाश्ता बनाने के लिए। आप इसको डोसा बोल सकते हैं, स्पॉन्ज डोसा जो होता है वो भी बोल सकते हैं, और अपम भी होता है इसी तरीके से टेस्ट में बनता है अपम, तो वो भी आप बोल सकते हैं। और ये बिना ईस्ट के बिना खमीर के ही बन जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में सबसे पहले घी लगाना है इस तरीके से। मैंने इस टाइम ऑयल का यूज़ नहीं किया, घी का यूज़ किया आप देख सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने चमचा लिया, तो चमचे की हेल्प से इस तरीके से डालना है, और आपको 1 चमचे के लगभग ही डालना है, खुद से ही फैल जाता है आप देख सकते हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से सेक लेना है, और फिर इसको पलट लेना है। और आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से होल्स बनने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आप इसको ढककर भी पका सकते हैं, वैसे भी पका सकते हैं आप इसको। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कितने सारे होल्स बन गए हैं, और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। तो 1 से 2 मिनट हो चुका है आप देख सकते हैं। अब इसको पलट लेंगे, तो बिल्कुल इजी तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल पलट जाता है ये। तो इस तरीके से इसको अब नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा सेकना है, इसका कलर ज़्यादा चेंज करना है। तो केवल 1 से 2 मिनट में ऊपर वाला सिक जाएगा लेयर आप देख सकते हैं, और 2 से 3 मिनट में ये पूरा सिक जाता है नाश्ता। केवल 30 से 40 सेकेंड ही लगते हैं दूसरी साइड को सेकने में। तो इस तरीके से सबसे पहले पलट लेना है, और इसको और भी सेकेंगे पहली साइड को। तो आपको जितना इसका कलर रखना है उतना आप रख सकते हैं, और आप इसको टोमेटो चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों साइड से कितने अच्छी तरीके से कलर में सिका है।
तब इसको निकाल लेंगे और सभी को इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। तो दूसरा वाला भी इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया और कितने अच्छे तरीके से होल्स भी बनना स्टार्ट हो जा रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से सभी को बनाकर तैयार कर लेना है नाश्ते को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको जितने आपके फैमिली में मेंबर्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।